सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो वीडियो थंबनेल आपको दिख रहा है, ये वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है जाकर के देख लें, तो इस वीडियो को देखें तो समझ में आएगा। तो एक दिवसीय जो प्रशिक्षण था उसका पार्ट टू वीडियो है ये, मतलब पार्ट फर्स्ट था क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इस वजह से दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट आ चुका है चैनल पर, ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, जाकर के ये वीडियो देखिएगा। इंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएगी, मतलब ये वीडियो सॉरी। तो इसका पार्ट टू अब आगे आप देखेंगे कि सर ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, एक दिवसीय प्रशिक्षण में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी समूह की महिलाएं इस वीडियो को देखें। ये पार्ट टू है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पार्ट थ्री भी आ सकता है क्योंकि वीडियो अभी मेरे पास और भी वीडियोस हैं, तो आपको पार्ट थ्री भी मिल जाएगा देखने के लिए। ये समस्या का दूसरा बड़ा कारण है हम कौन है का मतलब ये है कि अगर आप स्वयं के लिए लोन लेने जा रहे हैं बैंक में, प्रक्रिया अलग होगी, है ना, योग्यता अलग होगी। अगर आप समूह के रूप में, महिला समूह के रूप में जा रहे हैं, योग्यता अलग होगी। अगर आप दिव्यांग लोगों के समूह के रूप में जा रहे हैं, योग्यता अलग होगी। अगर आप किसी फ्रेंचाइजी के रूप में जा रहे हैं, कि हम अमुक कंपनी का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, हीरो कंपनी का हम सर्विस सेंटर खोलने जा रहे हैं, तो ये फ्रेंचाइजी हो गया ना। हम स्वयं का कंप्यूटर सेंटर लगाए और 10 लोगों को ट्रेनिंग दें रोज, तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी। लेकिन अगर हम NIIT और CSC से फ्रेंचाइजी ले लें, तो काम करने की प्रक्रिया अलग होगी, ऋण लेने की प्रक्रिया अलग होगी। अभी एक मीटिंग से हम लोग आए जिसमें सिटी के साहब और ये लोग भी थे, 300, 350 किसानों को एकजुट बना करके कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कंपनी है, अब उसका बर्ताव अगर ऐसा रहा कि हम महिला समूह की तरह बात करेंगे, तो महिला समूह 10 लोगों का है, आपको 300 लोगों को लेके चल रहे हैं, तो आपका काम करने का, व्यवहार करने का तरीका अलग होगा, आपके दस्तावेज अलग होंगे, आपको सोच, आपकी सोच अलग होनी है ना। तो आप जिस रूप में भी, जहाँ ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, आप NGO के हैं, गांव में जब जाते हैं, वहां जब बात करते हैं, कई महिला समूह ट्रेनिंग लेती हैं, लेकिन बाद में ऋण के लिए जो जब आवेदन करती हैं, तो समूह में नहीं करती हैं, अलग तरीके से करती हैं, है ना, अलग अलग अपने नाम से ऋण लेने के लिए जाती हैं। पर उनको ट्रेनिंग दी हुई है, SHG में लोन कैसे मिलेगा। तो बैंक जब जाती है या किसी कार्यालय में जब जाती है लाभ लेने के लिए, तो दिमाग वहां बैठा हुआ है, समूह से लोन अलग तरीके से मिलता है, कंपनी आपने बना लिया तो लोन अलग तरीके से मिलता है, अगर आप अकेले हैं तो लोन अलग तरीके से मिलता है। लोन का मतलब बैंक से लोन नहीं है, आप जब KBIC के थ्रू, जिला उद्योग केंद्र के मार्फत, खादी ग्राम उद्योग के मार्फत, जिला शासन के मार्फत, या केंद्र सरकार के तरफ से कोई भी लाभ की योजनाओं में आप आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले खुद को पहचानिए कि आप किस रूप में आवेदन कर रहे हैं, तब बड़े बनेंगे ना। आपका स्वयं काम करेंगे तो बड़े नहीं बनेंगे। आप दुनिया में किसी का भी नाम ले लीजिए, उन्होंने दूसरों को काम दिया है, दूसरों से काम करवाया है ना, खुद भी काम किया, ऐसा नहीं है खुद भी 18 घंटे 3 घंटे काम करते हैं, लेकिन स्वयं जो काम करते हैं वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, मजदूरी नहीं करते। सेठ सुबह 10 बजे आके बैठता है और शाम को 10,000 रुपये कमा के निकल जाता है, बस बैठे बैठे वो तुम ये 10 कट्टा उठा लो, ये माल वहां पहुंचा दो, ये माल यहाँ कर दो, यही करता है ना। लाभार्थी, आप योजना की, किसी भी योजना की बात कर रहा हूँ, है ना, चाहे समूह से है चाहे व्यक्तिगत है, लाभ लीजिए, बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा लाभार्थी ना बने, बने रहिए, ध्यान ये रखिए। कई बार लोग होते हैं, साहब हमने अमुक बैंक में आवेदन किया है, बैंक से मुझे लाभ नहीं मिला, बैंक ने मुझे ऋण नहीं दिया। बैंक मुख्य रूप से ऋण आपको इसलिए नहीं देता है कि जब बैंक आपसे पूछता है कि भैया कितने लाभार्थी बनाओगे,
तो उसका जवाब आप नहीं दे पाते। कितने लाभार्थी बनाओगे का मतलब यह है कि जब बैंक आपको ऋण देता है तो बैंक का भी ये लोभ रहता है कि आपके इस रोजगार में बैंक भी लाभार्थी बने। बात समझ रहे हैं? आप सही से रोजगार करेंगे तो ब्याज का लाभ किसको मिलेगा? बैंक तो लाभार्थी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो बैंक आपसे ये पूछता है, भैया रोजगार कैसे करोगे, चुकाओगे कैसे, ये पूछता है। तो वो प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए कि हम कैसे लाभार्थी बनाए, कैसे लाभार्थी बने रहेंगे। इस चक्कर में रहेंगे तो विकास करना कठिन है आज के समय। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, है ना। छोटी नौकरियां तो ठीक है, बड़ी बड़ी आईएएस की भी पोस्टिंग कम होते जा रही है वैकेंसी। सरकारी नौकरी के भरोसे रहेंगे तो मुश्किल है लाभार्थी बनने की कोशिश, लाभार्थी बनाने की कोशिश, बनने रहने की कोशिश ना। दूसरा बात था कि आप जिस रूप में रोजगार करना चाह रहे हैं उसकी सही जानकारी आपको होनी चाहिए। हम कौन है यही हमें पता नहीं होता है, ये समस्या का दूसरा बड़ा कारण है। हम कौन है का मतलब ये है, बना दी है, दोबारा कॉल हो तो सर मेरे नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। वो कहेगा नहीं नहीं हम देख लेंगे, ये बड़ा पार्ट होगा तो हम अपने कंपनी के कस्टमर केयर पर बात करके बात करेंगे, हमारी इमरजेंसी तो मैंने आपको बुलाया है। बोले ठीक सर कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको क्या कहना है अपने उस ग्राहक से, अपने उस ग्राहक से आपको क्या करना है कि सर ठीक है लेकिन मेरा एक सजेशन ये होगा, सजेशन होगा साहब, मेरा ये सजेशन ये होगा कि साहब आप अनावश्यक गूगल की किसी साइट पर जा करके कस्टमर केयर को अनावश्यक लिंक ना करें और उसके दिए हुए नंबर पर कस्टमर केयर कहेगा ठीक है आप बड़ी देर से मिलता है ना, तो क्या करेंगे किसी और को बताएगा। क्या हो रहा है, आपका मोबाइल वो नंबर वो रिकॉर्ड हो गया वहां, और वहां पर वो जो एक चालाकी 10 रुपए प्रति डाटा, 15 रुपया प्रति डाटा वहां पर हैकर बैठे हैं, उनके माध्यम से दूसरी जगह हैकर के पास जाते हैं। ठीक, अगर उसने दिन भर में 25 दिए तो उसका तो 250 बन गया उस गरीब आदमी का, लेकिन वो कितना बड़ा फ्रॉड करा रहा है। मुझे अपने घर में इमरजेंसी आ गई, मुझे कॉल करनी है, और जब महफिल में होंगे अच्छे खासे कपड़े पहने होंगे तो हमारे मन के अंदर सबसे पहले पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी, ये तो पार्टी के अंदर बंदा बैठा हुआ है, ये हमारे साथ में क्या करेगा। अभी मैं एक कोड आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, 21 मोबाइल नंबर 1। इसको डालने के बाद में वो क्या करेगा, आपका नंबर जो है वो पोर्ट कर देगा अपने साथी के नंबर पे, वो अपना नंबर क्या करेगा पोर्ट कर देगा। अब आपकी सारी डिटेल उसके साथी के पास जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी अगर इस तरीके का आपके सामने स्कैम होता है जो कहता है मुझे कॉल करनी है, तो प्लीज अपना मोबाइल कभी उसके हाथ में मत दीजिए। उसका अगर आपको बहुत ज्यादा ही आप दयालु हैं तो ये नंबर बताइए, नंबर डायल कीजिए, मिला के उसको दीजिए, ना कि आपने फोन दे दिया। जैसे कि ये नंबर डालेगा और अपना नंबर डालेगा और सेंड कर देगा मैसेज, आपकी सारी डिटेल सेकंड पर्सन के पास में पहुंच जाएगी, वीडियो कॉल हैंडलर। उसके बाद वो आपको थैंक्स बोलेगा, सर आपने बड़ा मेरी हेल्प कर दी, मतलब बहुत परेशान हो रहा था। उसके बाद में फिर जो आपको मैसेज आने, पहले आपको मैसेज ही नहीं आएगा, अच्छी बात ये है आपको मैसेज नहीं आएगा, लेकिन जब आप महीना दो दिन के अंदर जब बैंक के अंदर जाओगे तो आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी, सर पूरा अकाउंट खाली हो चुका है। तो कभी किसी को भी अपना मोबाइल मत दीजिएगा, वो एक्चुअली मैं कोड यहाँ पे खोला था, मैं दिखा रहा हूँ ये बाकायदा ये कोड बताया गया कि 21 मोबाइल नंबर डाल दीजिए और आपका एक और स्टार कर दीजिए, तो सारी डिटेल और आपका नंबर रिपोर्ट हो गया। तो कभी भी किसी को अपना नंबर मत दीजिएगा, फोन मत दीजिएगा, दीजिएगा तो नंबर डायल करके दीजिएगा, ले लीजिए आप बात कर लीजिए और छोड़ के मत जाइएगा। सब लोग वो साइन कर देंगे, लड़कियों से भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप बनमनाई है, कोट सफारी पहने हैं,
इसी भी लेवल में और कोई यंग बच्चा के 16 साल का, क्योंकि उसको उतना ही काम आता है। उसका काम क्या है? आपके डाटे को कोड करा देना। उसका